एक और मेथड है जिससे कि आप स्टार का डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं, बस एक लाइन में बताऊंगा, ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। इंटेंसिटी मेथड होता है। इंटेंसिटी मेथड है, जैसे हमारे पास फिजिक्स में एक तरीका है, आप एक बल्ब लगाओ, एक बल्ब नज़दीक है और एक बल्ब दूर है, एक प्लेट है जिसके ऊपर उसकी रोशनी गिरेगी, वो रोशनी जितना बल्ब नज़दीक है लाइट उतनी ज़्यादा गिरेगी, दूर वाले की कम गिरेगी। लाइट की एनर्जी को मेजर करने का मीटर आता है, फोटोन्स होते हैं लाइट में, वो मेजर कर लेता है कितने फोटोन्स हैं। तो लाइट की एनर्जी को मेजर करते हैं बाय टर्म इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी ज़्यादा है तो लाइट की एनर्जी ज़्यादा है, तो इंटेंसिटी ज़्यादा है तो बल्ब नज़दीक है, इंटेंसिटी कम है तो बल्ब दूर है। स्टार के साथ भी ऐसा ही है, स्टार से लाइट आ रही है तो अगर वीक लाइट आ रही है स्टार बहुत दूर है, स्ट्रॉन्ग लाइट आ रही है तो स्टार नज़दीक है। तो एक लॉ है जिसको इंटेंसिटी का लॉ बोलते हैं। लॉ ये कहता है कि जो भी आप इंटेंसिटी जो आप मेजर करेंगे, जो इंटेंसिटी आएगी लाइट की, इज प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर। जितनी ज़्यादा स्टार की लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा आएगी, डिस्टेंस स्टार का उतना ही ज़्यादा दूर होगा, कम होगा। ये लॉ है, इंटेंसिटी लॉ। तो बस यही है, आपके पास दो स्टार्स हैं, एक की इंटेंसिटी आई वन है, एक की आई टू है, तो एक का डिस्टेंस आर वन है, एक का आर टू है, तो आई वन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर वन स्क्वायर, आई टू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर टू स्क्वायर। तो यहाँ से आप कंपेयर करके आंसर निकाल सकते हैं, इतना ही पता होना चाहिए, आता नहीं है क्वेश्चन इसके ऊपर, ठीक है। तो इसलिए ज़्यादा नहीं कर रहे। सुपीरियर इन्फीरियर प्लैनेट्स के ऊपर भी जो है कुछ तरीका है, मेथड है, ये भी प्लीज़ आप अपने टीचर से पूछना, अगर करना है तो मुझे कंसल्ट करना कि ये करवा दो, अगर नहीं करना, वैसे ना ही बोलते हैं टीचर्स, तो फिर उस केस में इसको नहीं करने की जरूरत, राइट, क्लियर है यहाँ तक, तो ये करने की जरूरत नहीं है आपको। नेक्स्ट है, ओके, यहाँ से करते हैं, मेथड टू मेजर डायमीटर ऑफ अ मून और एनी प्लैनेट। किसी प्लैनेट का डायमीटर मेजर करना है, हम अर्थ पे हैं, ये मान लो कोई मून है, मून का एक कोना, मून का दूसरा कोना और ये डायमीटर डी, तो एंगल कितना बना रहा है यहाँ पर अर्थ पे, थीटा, ये डिस्टेंस कितना है एस, तो एंगल इज आर्क बाय रेडियस अगेन, तो एंगल थीटा इज आर्क डी बाय रेडियस, इसमें एस है, तो एंगल इज आर्क बाय रेडियस से अप्रॉक्सीमेट डी कैन बी कैलकुलेटेड डायमीटर आ जाएगा। ये सब अप्रॉक्सीमेशन है, प्लीज़ एग्जैक्ट कुछ नहीं आना है इसमें से। तो उसी तरीके से मेथड टू मेजर डिस्टेंस ऑफ अ हिल इको रिफ्लेक्शन मेथड, वो कहते हैं एक काम करो, एक पहाड़ है, पहाड़ के बीच में खाई है, नदी जा रही है, मैं यहाँ खड़ा हूँ सड़क के ऊपर, मुझे पहाड़ से डिस्टेंस मेजर करना है, सड़क का कितना है, अब नीचे तो जाऊँगा नहीं खाई में, डिस्टेंस मेजर करना है, तो एक काम करो, आप सड़क पे खड़े होके गोली चलाओ, बुलेट चलाओ, आवाज़ आएगी स्लो में, गोली चली, आवाज़ आई, आपके हाथ में एक टाइमर लगा हुआ है, आपने गोली चलाई तो एक टाइमर लगा, स्टार्ट, साउंड जाएगी, टकराएगी, इको होगा, आवाज़ वापस आएगी, टाइम नोट कर लो, आवाज़ कितनी देर में वापस आई, तो साउंड गई, एस डिस्टेंस कवर किया, साउंड वापस आई, एस डिस्टेंस कवर किया, टोटल कितना कवर किया, 2s, साउंड की स्पीड क्या है, वी, टाइम टेकन कितने आने और जाने का, टी, तो यहाँ से एस कैन बी कैलकुलेटेड। तो अगर आपको साउंड की स्पीड पता है, टाइम आपने नोट कर लिया, ऐसा जाएगा। इस मेथड को क्या बोलते हैं, इको रिफ्लेक्शन मेथड। उसी तरीके से रिफ्लेक्शन डिस्क्राइब रिफ्लेक्शन मेथड फॉर मेजरिंग डिस्टेंस ऑफ अ मून। अब मून का डिस्टेंस मेजर करना है इको रिफ्लेक्शन से। अब इको तो होती नहीं, मून पे आवाज़ मारोगे बात थोड़ा आएगी, तो मून पे आवाज़ नहीं मारनी, मून पे लेज़र मारनी है। अब कौन सी लेज़र मुझे पता नहीं, ऐसी कितनी स्ट्रॉन्ग लेज़र है जो मून की सरफेस पे जाती है, टक्कर मारती है और अर्थ पे वापस आती है। तो अगर ऐसा हो तो लाइट, लेज़र इज अ लाइट, तो लाइट जाएगी और आएगी, टोटल डिस्टेंस 2s, स्पीड ऑफ लाइट c, टाइम टेकर नोट कर लेना t, तो यहाँ से s कैन बी कैलकुलेट, मून का डिस्टेंस अप्रॉक्सीमेटली आप कैलकुलेट कर सकते हो। लेज़र की फुल फॉर्म है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, ये याद कर लेना, ठीक है। तो ये भी एक रिफ्लेक्शन मेथड है जिसमें लाइट जाती है, टकरा के वापस आती है और मून का डिस्टेंस कैन बी कैलकुलेटेड। अब नेक्स्ट याद इंपॉर्टेंट है, सोनार। सोनार इज यूज इन फाइंडिंग डेप्थ ऑफ द सी बेड। सोनार की फुल फॉर्म प्लीज नोट कर लें, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो होता क्या है, सबमरीन्स हैं, सबमरीन्स के अंदर नीचे क्योंकि दिखता नहीं है पानी में, तो क्या होता है, वहाँ कोई रॉक आ सकती है, कोई कुछ भी चीज़ ऑब्स्टेकल आ सकता है, तो वो कॉन्टिन्यूसली शिप्स क्या करती हैं, सबमरीन्स क्या करती हैं, कॉन्टिन्यूसली अल्ट्रासाउंड या कोई भी वेव, ईएम वेव्स सेंड करती रहती हैं। तो अगर तो वो जो वेव जा रही हैं, अगर वो वापस आ गई, वापस आने का मतलब सामने ऑब्जेक्ट है, अगर नहीं आई तो ऑब्जेक्ट नहीं है, अगर वापस आ गई, डिटेक्ट हो गई, तो यानी कि ऑब्जेक्ट है। पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक। तो जो कोई भी वेव जाएगी, जाएगी और आएगी, मान लो ऑब्जेक्ट है, तो जाएगी और आएगी, टोटल डिस्टेंस 2s,
उसकी स्पीड वी है वेव की इनटू टी, तो यहाँ से एस कैन बी कैलकुलेटेड। तो ऑब्जेक्ट की दूरी इस तरीके से कैलकुलेट कर ली जाती है कि इतनी दूरी पे ऑब्जेक्ट है तो उससे रास्ता डेविएट कर लिया जाता है। तो ये एक तरीका है, ठीक है। इसके अंदर कुछ कन्वर्जन्स भी हैं। कन्वर्जन्स के अंदर कैलकुलेट द एंगल ऑफ 1 डिग्री इन रेडियंस। तो मैथमेटिकल कन्वर्जन्स हैं, 1 डिग्री में कितने रेडियंस हैं, तो 360 डिग्री में कितने रेडियंस हैं, 2π रेडियंस हैं, तो 1 डिग्री में 2π बाय 360 रेडियंस हैं, कैलकुलेट कर लेना। ये पहला क्वेश्चन है। अब जैसे एंगल को किस में मेजर करते हैं, रेडियंस में, एंगल को किस में मेजर करते हैं, डिग्री में, एंगल को एक और तरीके से मेजर करते हैं, मिनट्स और सेकंड में भी करते हैं। आपको कहेंगे मिनट सेकंड तो टाइम के यूनिट है, नहीं, मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री में मिनट्स और सेकंड भी एंगल के यूनिट होते हैं। तो क्या रिलेशन है इसमें, वन डिग्री होता है, 1 डिग्री सबसे कम डिग्री 1 डिग्री होता है एंगल, 1 डिग्री में 60 मिनट है, मिनट को 1 डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। तो याद रखना 1 डिग्री में 60 मिनट है और 1 डिग्री में कितने रेडियंस हैं, इतने रेडियंस हैं, कैलकुलेट किया था। तो 1 डिग्री में इतने रेडियंस हैं, यानी कि 60 मिनट में इतने रेडियंस हैं, तो 1 मिनट में कितने रेडियंस हैं, 60 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, ये रेडियंस हैं। क्लियर है यहाँ तक। उसी तरीके से अगला एंगल है सेकंड, तो 1 सेकंड में कितने रेडियंस हैं, अच्छा बताओ 1 मिनट में, ऊपर 1 मिनट में इतने रेडियंस हैं, 1 मिनट में इतने रेडियंस हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड है, 60 सेकंड है। सेकंड को रिप्रेजेंट करने का 2 डैश तरीका है, तो 60 सेकंड में इतने रेडियंस हैं, तो 1 सेकंड में डिवाइडेड बाय 60 रेडियंस हैं। तो यानी कि डिग्री को मिनट, मिनट को सेकंड और रेडियंस कैसे कन्वर्ट करने, क्लियर है। तो ये कुछ कन्वर्जन्स गिवन है, अगर काम आए तो आप याद कर सकते हो इसमें। इसके बाद जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट है उसके अंदर ये देखो कुछ और प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं। प्रैक्टिकल यूनिट्स में क्या है, ये याद करना है, 1 फर्मी में 10^-15 मीटर है, 1 फर्मी में 10^-15 मीटर है, 1 एंगस्ट्रॉम में 10^-10 मीटर है, ठीक है। यूनिट्स कन्वर्जन क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट है नैनोमीटर में 10^-9 मीटर है, माइक्रो या माइक्रोन में 10^-6 मीटर है, क्लियर है। उसके बाद और बड़े डिस्टेंस कैलकुलेट अगर करने हैं, तो लाइट ईयर है, तो 1 लाइट ईयर में 9.4×10^15 मीटर है, आ कर लेना 1 लाइट ईयर में कितने मीटर है। नेक्स्ट है 1 AU, AU का मतलब होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है मीन डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, अर्थ और सन के बीच में दूरी को 1 AU बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं। 1 AU 1.4×10^11 मीटर है, ठीक है। और सबसे बड़ा यूनिट यूनिवर्स का पार्सेक होता है, इससे ऊपर लाइट ईयर से भी ऊपर पार्सेक है। तो पार्सेक क्या चीज है, इट इज द लार्जेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ डिस्टेंस इन एस्ट्रोनॉमी, इससे बड़ा यूनिट कोई नहीं है। पार्सेक होता क्या है, पार्सेक ये होता है, मान लो ये सन है, किसी दूरी पे अर्थ है, सन और अर्थ की दूरी को किससे लिखते हैं, 1 AU, 1 AU का मतलब 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो अगर मैं यहां पे एक एंगल बनाऊं, अर्थ की यहां लाइन खींचूं और एक एंगल बनाऊं सच दैट ये एंगल यहां पर 1 सेकंड बन जाए, 1 सेकंड कहीं तो बनेगा 1 सेकंड, तो जो ये 1 सेकंड बनेगा उस दूरी को अर्थ से क्या बोलते हैं, 1 पार्सेक बन गया। तो 1 सेकंड की दूरी को जब ये एंगल बन जाता है 1 सेकंड, तो अर्थ से इस पॉइंट की दूरी को क्या बोलते हैं, 1 पार्सेक। तो इसके अंदर मान लेते हैं ये आर लिख लो, ये डिस्टेंस आर है और ये डिस्टेंस एल है, डायग्राम में मेंशन कर लो ये एल है और ये आर है, एक एल है और एक आर है, ठीक है यहां तक। आगे अब एक चीज याद रखना कि इस ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में टैन ऑफ थीटा क्या होगा बताओ, एल डिवाइडेड बाय आर, ये आर है और ये एल है, तो क्या लिखेंगे, एल बाय आर, क्लियर है। मैथ्स के अंदर याद रखना एक फॉर्मूला या तरीका, थीटा अगर वेरी स्मॉल है, बहुत छोटा है, तो साइन ऑफ बहुत छोटा एंगल अप्रोक्सीमेटली थीटा होता है,
कैसे? थीटा मान लो जीरो है, साइन जीरो क्या होता है? जीरो होता है। अच्छा, थीटा बहुत छोटा है, साइन ऑफ 0.00001। अब 0.00001 तो ऑलमोस्ट जीरो को अप्रोच कर रहा है, तो इसका क्या साइन निकालोगे? आंसर ऑलमोस्ट जीरो के करीब ही होगा, तो लिख दो 0.00001। तो फॉर्मूला बन गया साइन थीटा में, अगर थीटा बहुत ही छोटा है तो साइन थीटा को अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकते हैं? थीटा, याद रहेगा ये। सिमिलरली टैन थीटा में भी अगर एंगल बहुत छोटा है तो टैन ऑफ थीटा को भी अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकते हैं? थीटा। तो अगर थीटा छोटा है, मान लो जीरो है, टैन जीरो भी क्या होता है? जीरो ही होता है। क्लियर है यहां तक? मतलब आज के बाद अगर मैं साइन थीटा में अगर थीटा छोटा है तो साइन थीटा को सीधा थीटा लिखूंगा, कॉस थीटा में अगर एंगल छोटा है तो कॉस थीटा को अप्रोक्सीमेटली वन लिखूंगा। क्यों? थीटा अगर बहुत छोटा है, जीरो है, तो कॉस जीरो क्या होता है? वन। तो अगर एंगल बहुत छोटे हैं तो कॉस ऑफ छोटा एंगल वन, साइन ऑफ छोटा एंगल थीटा, टैन ऑफ छोटा एंगल थीटा, ऐसा लिख सकते हो। क्लियर है यहां तक? तो इसके अंदर इससे छोटा एंगल क्या मिलेगा? एक सेकेंड से छोटा तो कोई एंगल ही नहीं है दुनिया में, डिग्री से भी, रेडियन, डिग्री, मिनट और सेकेंड, तो एक सेकेंड से छोटी और कोई डिग्री नहीं है। तो इसलिए टैन थीटा इस ट्राइंगल में क्या था? एल बाय आर। एंगल छोटा है तो टैन थीटा कैन बी रिटन एज थीटा। तो यहां पर आर, ये आर था, तो आर की वैल्यू आ गई, आर क्या है? वन पार्सेक। एल क्या है? वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट और वन सेकेंड। तो हमने अभी किया भी था, वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में इतने मीटर है, वन सेकेंड में इतने रेडियंस हैं, डिवाइड करके क्या आ जाएगा? वन पार्सेक आ जाएगा। आपको प्रूफ करना है, करो, आता नहीं है वैसे। वन पार्सेक में इतने मीटर हैं, ये याद कर लो। याद करने का तरीका बड़ा आसान है। स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है? 3×10^8, 3×10^8 का डबल 16। लो, भूलेगा नहीं, वन पार्सेक में इतने मीटर हैं। अब कैसे याद कराऊँ? यही याद कराऊंगा। क्लियर हो गया? बस सीधा अगर वैल्यू लिखने को आ जाए, अब वैल्यू लिख देना, वन पार्सेक सबसे बड़ा है, लाइट ईयर उससे छोटा है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट उससे भी छोटा है।